हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। सो आज आप थंबनेल देख के पहचान ही लिए होंगे कि कौन से टॉपिक पे है ये व्लॉग। सो आज तो मैं आपको रिवील करने वाली हूँ क्या चीज़, कुछ ऐसा वैसा मत समझना। ये मैं आपको चूड़ा रिवील करने वाली हूँ कि मेरे पास कौन कौन से कलेक्शन के चूड़े हैं और बैंगल्स हैं। सो मैं आज आपको दिखाती हूँ, लड़कियों को बहुत पसंद है बैंगल्स चूड़े बहुत ज़्यादा, क्योंकि शादी से पहले मुझे बहुत क्रेविंग थी चूड़े की और चूड़ियों का बहुत शौक था। तो मैंने पहना तो नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ पहन पहन के कि मेरे पास कौन कौन से कलेक्शन। सो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ये देखिए मेरे पास इस मतलब ये कलेक्शन है, एक फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, ये पिंक कलर का, वो महरूम था और ये पिंक कलर का है। सो ये आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर का है। इसको मैंने बहुत बार वेयर किया है, वो भी मतलब कई बार मैं शूट वगैरह करती थी ना रील्स में, तो मैं ज़्यादातर ये दोनों ज़्यादा पहनूंगी, भाई ये और ये पिंक वाला मैंने ज़्यादा वेयर किया है वैसे हर जगह। और मैं दिखाती हूँ, अभी तो ये न्यू है। सो इसके साथ ना ये नीचे का भी है, ये दूसरा बैंगल्स है और ये चूड़ा है, जैसे कि मैं क्लोजली आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत क्यूट है। ये मैंने इवेंट पढ़ा था ना, जो आप देखेंगे ना उसमें मैंने ये चूड़ा वेयर कर रखा है। सो क्योंकि मैं इवेंट पे जा रही थी, मुझे अवार्ड मिलने वाला था ना, तो मेरे पास चूड़ा नहीं था आई थिंक नया, तो मुझे चूड़े का कलेक्शन बहुत पसंद है, मुझे चूड़ा पहनना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से मुझे चूड़े का बहुत शौक है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बहुत सारे चूड़े हों, तो इसकी वजह से मैंने ये वाला वेयर किया था और मुझे ये बहुत पसंद है। सो मैं अभी आपको ना वेयर करके दिखाती हूँ। ये चूड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट में ही है, बट यू आर वेरी क्यूट, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मिनट में ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये क्यूट सा है बिल्कुल और अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। सो आपको भी कौन सा चूड़ा अच्छा लगा ना कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ठीक है। हाँ सो और मैं आपको ये वाला चूड़ा दिखाती हूँ। सो ये तो रेड में है, ये रेड में है, ये रेड में, और ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये तो रेगुलर वेयर कर सकते हैं घर में, साड़ी में या सूट में बहुत अच्छा लगेगा, ये देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल न्यू है, मैं बहुत कम ही वेयर करती हूँ वैसे, मुझे कलेक्शन का बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास हर एक कलेक्शन के हो, बट ये सब लेके ना बस मैंने रख रखा है। और ये देख सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। सो ये बहुत अच्छा है, ये सूट पे किसी पे भी वेयर कर लो घर में, ज़्यादा बेस्ट है। पर मुझे ज़्यादातर चूड़ा वेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा ही। और सेकंड में दिखाती हूँ आपको कड़े दिखाती हूँ। ये कड़े आपने देखे होंगे, तो नॉर्मल कड़े हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें कलरफुल है, ये नॉर्मल कड़ा है, तो इसको मैं ज़्यादा वेयर नहीं करती, मैंने बहुत ही कम रील्स बनाई है इसमें, बहुत कम मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, बट ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था उस टाइम में जब मैंने लिया था। ये पूरा कलेक्शन है, ये कलेक्शन ये जब का है, जब मेरी शादी हुई थी जब मैंने ये लिया था, ये काफ़ी साल पुराना है, तो ये आप देख सकते हैं अभी तक ये ऐसे का ऐसे ही रखा है, इसका जो कलर है अभी तक ऐसे ही है, शाइनिंग अभी तक ये वैसे ही करता है। और ये सिर्फ एक हाथ का है गाइस, दूसरे हाथ का भी रखा हुआ है यहाँ पे, ये सिर्फ एक, बट बहुत अच्छा लगता है ये। बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, बट ये मैंने बहुत ज़्यादा वेयर किया है, यहाँ तक कि मैं कपड़े भी धोती थी तो ये पहन के धोती थी, देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको दिखाई देती हूँ,
ये देखिए, ये एक साइड का है और ये एक साइड का है, ये बहुत बड़ा था। और मैं इसको कभी कभी ना ये बीच से, यहाँ से बीच से हटा के ऐसे मैं जॉइंट करके कभी कभी पहनती थी, ये बहुत अच्छा लगता था मुझे। सो मैंने ज़्यादातर ऐसे ही वेयर किया ऐसे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग पड़ जाता था, काम नहीं हो पाता था मुझसे, जैसे कि आटा वाटा गूंदना रहता है तो नहीं हो पाता था मुझसे। बट ये बहुत अच्छा लगता था, ये स्टार्टिंग में मैंने ये लिया था। एक एक करके मैं सबको पहन के दिखाऊंगी और जो उनसे बेस्ट लगे ना कमेंट, ओके। ये है, इसको भी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। थोड़ा सा टाइट होता है मुझे, बट कोई नहीं, पहनूंगी मैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा वेयर किया, बहुत ज़्यादा वेयर किया, बहुत ज़्यादा ही, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत ज़्यादा वेयर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और ये मैरून कलर ना, मतलब हर लड़कियों का शायद आई थिंक फेवरेट ही होगा, क्योंकि आप मैरून बहुत ट्रेंडिंग में चलता है, ये कलर बहुत ट्रेंडिंग में आता है, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि ये साड़ी पे और अगर आप रेड सूट वेयर कर रहे हो तो सबसे बेस्ट आई थिंक ये ही कलर ज़्यादा अच्छा है, लुक वाइज के लिए बहुत बेस्ट है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। और मैं दिखाती हूँ आपको, और तो मेरे पास स्टार्टिंग में, मतलब मैंने मम्मा के यहाँ से लिया था ये, जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, ये मैंने पहन के लिया है, ये मैंने स्टार्टिंग में मतलब खड़ा है ये, इसका भी कुछ नाम था जो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ नाम था इसका आई थिंक, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे इसका नाम क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। इसको भी मैं बहुत घर में ज़्यादातर वेयर करती थी, साड़ी सूट पे, हाँ, इसके साथ मैं काम भी करती थी। ये भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही, मैं बहुत मतलब केयर करके रखती हूँ, पर ज़्यादा नहीं, कभी कभी इधर उधर फेंक भी देती हूँ, पर ये है कि ख़राब नहीं होता, ये बहुत अच्छा है। ये भी, ये थोड़ा तो मैंने आपको पहन के दिखा दिया, ये बहुत अच्छा है। और ये पहन के दिखाऊँ, ऑफ कोर्स दिखाती हूँ मैं आपको। इसका जो ये जो कलर है ना गाइस, आप देख सकते हैं थोड़ा ब्लैक ही पड़ रहा है, जब स्टार्टिंग में पहन लिया था ना तो काफ़ी शाइनिंग करता था, बहुत शाइनिंग करता था, बट अब ना इसका कलर बिल्कुल डल हो गया जैसे देख सकते हैं, बट ये बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ। आपने रील्स में देखा होगा, अगर जिसने रील्स नहीं देखी मेरी तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी रील्स डाल दूँगी, इंस्टा की रील्स, तो जरूर देखना, और वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेना अगर जो नए हैं। सो देख सकते हैं, मुझे चूड़ियों और चूड़ों का बहुत शौक है, आई लव बैंगल्स एंड चूड़ा। सो और मैं आज चीज़ ये दिखाती हूँ, ये मैंने कब वेयर किया था, गैस करो, अगर जो ब्लॉग देखते हैं वो आपको आज गैस करे होंगे, ये मैंने जब वेयर किया था जब छठ था, छठ पूजा पे मैंने वेयर किया था, और ये अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा वेयर नहीं किया गाइस, इसको मैंने बहुत ही कम वेयर किया। ये ना बाल बेड टाइप का है, कुछ कपड़ा टाइप में है ये, मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन सी क्वालिटी है इसकी, इसका भी टू पीसेज है, मतलब सो आई थिंक दो दर्जन इसमें है और दो दर्जन उसमें होगा। मैंने पिंक कलर की साड़ी वेयर करी थी, इसकी वजह से मैंने ये बैंगल्स ट्राई किया, और ये देख सकते हैं ये दूसरा पीसेज इस हाथ का है, सो मैंने इस हाथ का ये देख सकते हैं, ये भी क्यूट है ना, अच्छा लगा ना, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, पिंक कलर का है, पर्पल पिंक है, और ये मैंने इसके साथ ये जो कड़ा देख रहे हैं ये मैंने कॉम्बिनेशन कराया है, और ये प्योर पिंक नहीं है, इसमें से मिक्स पिंक है, आप देख सकते हैं इसमें टू पिंक्स है, एक थोड़ा लाइटिंग है एक थोड़ा डार्क है, मैंने कुछ इस टाइप में मिक्स करवा के फिर मैंने वेयर किया था। हाँ, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, इसका कपड़ा टाइप में है ये, बहुत अच्छा लगा सो अच्छा लगा मुझे, ये बहुत ठीक था। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी सब्र करो, अभी बहुत चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं ये कड़ा है, इस कड़े को भी मैं कभी कभी अकेले वेयर कर लेती हूँ, ये भी कड़ा ना काफ़ी, मतलब ये चूड़े का ही सेट है, बट ये मैं अकेले वेयर कर लेती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसकी कोई भी कलर और शाइनिंग इसकी बिल्कुल नहीं डल हुई है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, तो इसको भी बहुत मैं कम वेयर करती हूँ, ज़्यादा वेयर नहीं करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वेयर पता क्या करूँगी, ये क्या है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना मुझे, तो ये ज़्यादा मैं वेयर करती हूँ गाइस, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने आपको दिखाई दिया अपना कलेक्शन, अभी क्लोजली आपको दिखाती हूँ कि मेरा कलेक्शन, ओके वेट।
कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सब बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देख लो मेरे टेडी को, बाय बाय। ये मेरा बटक है, बटक। सब बाय बाय गाइस, सब बाय बाय। आप भी बाय बाय कर दो, चलो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आप कौन सा टॉपिक चाहिए जरूर कमेंट करके बताना। सब बाय बाय।